बेटा मैं 2-3 दिन में ले दूंगी आपको, मेरे को तनख्वाह मिलती है तो मैं ले दूंगी। आप कह रही है मैं 2-3 दिन में ले दूंगी, लेकिन मेरी कल पार्टी है, मुझे तो नए शूज चाहिए। बेटा मैंने बोला है मुझे तनख्वाह मिलती है तो मैं ले दूंगी आपको। अच्छा बेटा कुछ करती हूँ, अब खुदा ही है जो हमारी मदद करे। जी कौन? बहन जी मैं हूँ पास्टर खाबर। जी पास साहब दरवाजा खुला हुआ है, आप आ जाए अंदर। इसने भी आज ही आना था, मैं ऐसा करती हूँ अपना खाना छुपा देती हूँ। पास साहब आप हमारे घर पे आए, हम बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे। अब ये तुम्हारी बारी है, मैं ही जीतूंगा, करो देखते हैं तुम कितना खेलते हो। मैं ये गेम तो मैं जीतूंगा। अबे यार कहाँ से आ गए हैं आर्य, सारी गेम खराब कर दी है इन्हें, और दुनिया में कोई काम ही नहीं है। आज इस पार्टी का ऐसा गेम खेलूंगा ना इसके साथ, आईना की दफा हमारे घर की तरफ मुंह नहीं रखेगा। अफसोस की बात है यार, ये बच्चे अभी तक बुराई में हैं। इतनी दफा इनको कलाम सुनाया है, इनको रास्ते की तरफ लाने की कोशिश की है, लेकिन ये तब्दील नहीं हो रहे। अबलीस इनके अंदर इस हद तक समा चुका है कि इनके अंदर खुदा का कलाम काम ही नहीं कर रहा। राया अपना जलाल जाहिर कर और इन बच्चों को रास्ते की तरफ लेकर आ। ये नई नस्ल तो नारास्ते की तरफ जा रही है और आने वाले वक्त में ये और ज्यादा तबाही की तरफ जाएंगे। ना सिर्फ ये खुद बल्कि दूसरे बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाएंगे कि खुदा अपना फजल वाला हाथ बढ़ा इनको दानाई और फहम से मामूर कर, ताकि ये खुदा के कलाम को कबूल करें और खुदा को पहचाने और उसकी तरफ रागिब हों। भाई साहब नीचे जाके बैठे, आप ऊपर ही आ गए, जाओ यार पादरी मारी जान छोड़ो। बेटा खुदावन के खादम की इज्जत करना सीखें, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि मेरा खादम दो चंद इज्जत के लायक है, और ये भी लिखा है कि वो रब्बुल अफवाज का रसूल है। बेटा नाराजगी की तरफ ना जाएं, खुदा के कलाम को पहचाने। ये गलत कर रहे हो, तबाही की तरफ जा रहे हो, जहन्नम की तरफ ये रास्ता जाता है। खुदा के जलाल को पहचानो और उसकी तरफ आओ। पादरी हम इतवार को चढ़ जाते तो है और क्या करें। खुदावन अपना जलाल जाहिर कर, खुदावन अपना आसमान खोल और हिकमत और फहम इनको अनायत कर, ताकि रास्ते की तरफ आए। खुदाया ये भटक गए हैं और खुदावन अपने कलाम के वसीला से इनको तब्दील कर, क्योंकि तेरा कलाम जहनों को सोचों को बदलता है। ओ पादरी चंदा तो ले जा। यार इनके अंदर खुदा का कलाम काम ही नहीं करता, कितनी देर लगेगी इनको कलाम सुनाते सुनाते। बहन बहुत दुख हुआ ऊपर बच्चों की बातें सुनकर, वो बिल्कुल तब्दील नहीं होते, और मैं देख रहा हूँ कि वो दिन ब दिन बेरारवी का शिकार हो रहे हैं, वो नाराजगी की तरफ जा रहे हैं। आप इनको क्यों नहीं समझाते, आप इनको क्यों नहीं खुदा के कलाम की तरफ लेकर आते? बस साहब आपको क्या बताए, हम इन्हें बहुत समझाते हैं लेकिन इनका ध्यान ना खुदा की तरफ है ना पढ़ाई की तरफ है, बस दिन भर ये बुरे कामों में लगे रहते हैं, हर टाइम ताश खेलते रहते हैं और बाहर बुरे लड़कों की सोबत में बैठते हैं। हम बहुत समझाते हैं लेकिन ये बाज ही नहीं आते, हमें तो खुद समझ नहीं आती कि हम क्या करें। बहन हिम्मत नहीं हारनी, खुदा का कलाम हमें तकवीयत देता है, हमें उम्मीद देता है, और हमारी उम्मीद यीशु पर है, वो जहनों को बदलता है, और मेरा ईमान है कि वो जहनों को बदलेगा, इनकी सोचों को बदलेगा, और ये एक दिन यीशु को कबूल करेंगे। क्या बताया आपको, इसी वजह से हमारे हालात भी बहुत ज्यादा खराब हैं और खुदा ने हमसे तमाम बरकतें छीन ली है, और इसीलिए मेरे वालिद साहब की नौकरी भी जा चुकी है और हम बहुत ज्यादा ही परेशान है। बहन मेरा ईमान है, मेरा भरोसा है कि खुदावन हमें बरकत देगा, और आज मेरा ईमान है कि मैं खुदावन से आपके खाने के लिए बरकत की दुआ करूंगा, क्योंकि कलाम बयान करता है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए आज हमने मुत्तफिक होकर आज इस खाने के लिए बरकत मांगनी है, इनके लिए दनाई और फहम मांगना है, और मेरा ईमान है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा और आप खुशबरी देंगे, आप गुआही देंगे, और खुदा का कलाम इनमें काम करेगा। जी यहोवा पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी तमजीद यहोवा पाक खुदा इस घराने के लिए जिनको तूने अपने जलाल के लिए चुना, अपनी गवाही के लिए चुना है। यहोवा पाक खुदा अपना आसमान खोल और इनके लिए दानाई और फहम आसमान से नाजिल कर, इनके बच्चों के लिए फहम मांग लेते हैं यहोवा पाक, इनकी जिंदगियां बदले, इनकी सोच बदले, और ये तेरे कलाम की तरफ आए, तेरे कलाम को कबूल करे, अपने खानदान के लिए खुशी का बाइस बने।
अच्छा बहन जी मैं चलता हूँ, आप परेशान ना होइएगा, खुदावन ने आपके लिए काम कर दिया है, शुक्रगुजारी करें जी, खुदावन आपको बरकत दे। शुक्र है पादरी गया, आज वाले नचो कुंडले पाओ। जी बहन जी आप घर ही हैं? जी बहन जी मैं पास्टर खावर हूँ, अंदर आ जाऊँ? जी पाई साहब आ जाए अंदर आप। बेटा हमने आज अच्छे अच्छे खाने पकाए हैं, आज पाई साहब से साथ मिलके खाएंगे, इनकी वजह से तो हमें बरकत मिली है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी बहन जी सलाम जी। सलाम जी, क्या हाल है, ठीक है? जी खुदा का शुक्र है, आप सुनाएं। जी मैं ठीक हूँ। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। जी हम बहुत खुश है क्योंकि आपने बोला था कि अगर आप खुदा के करीब आएंगे तो खुदा पे हालात बदलेगा, और हम बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि जब हम वाकई खुदा के करीब आए तो आज देखे कि खुदा ने हमें बहुत सारी बरकतें दे रखी है, ये सब आपकी बदौलत है। आप जो है ना फरिश्ता बन के हमारी जिंदगी में आए हैं। आमीन। पासा मेरे पापा को भी एक बहुत अच्छी जॉब मिल गया और मुझे भी बैंक में जॉब मिल गया और मेरी बहुत अच्छी सैलरी है। और मैं आपको एक और बात भी बताना चाहती हूँ कि पिछली दफा आपने मेरे बहन भाइयों को देखा था, बहुत बिगड़े हुए थे, लेकिन खुदा का शुक्र है वो सुधर गए हैं और अब वो स्कूल बकायदगी के साथ जाते हैं और उन्होंने अपने बुरे काम भी तर्क कर दिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या वाकई ऐसा हुआ है? जी जी वाकई बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। देखे ये खुदा का फजल है और खुदा के अंदर ये ताकत है कि वो जहनों को बदलता है, वो सोचों को बदलता है। और आज देखें इस घर में कैसी बरकतें आई हैं और शुक्रगुजारी से देखें आपके चेहरों के ऊपर ऐसी खूबसूरत स्माइल है और यकीन करें मैं दिल से खुश हूँ। खुदावन आपको और ज्यादा बरकत दे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आपने खुदा का पल्ला नहीं छोड़ना, हमेशा उसके साथ बंधे रहना है, जुड़े रहना है और अपने घर की बरकत चाहनी है। जी भाई यह टेस्ट में 5 मिनट में याद कर लूंगा भाई, मुझे तो याद भी हो गया। अरे बच्चों सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप? सलाम बेटा, क्या हाल है, ठीक है? जी सर जी। आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सर जी आपकी वजह से मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। आमीन। उस दिन हमने आपसे बहुत बदतमीजी की थी और आपकी दुआ से हम तब्दील हो गए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड बेटा, खुदावन आपको बहुत बरकत दे। हमी बेटा क्या हाल है आपका? सलाम, ठीक है? सलाम, क्या हाल है, ठीक है? हाँ जी ठीक। बड़े खुश है आज? जी आपके वसीला से हम तब्दील हो गए। वेरी गुड, प्रेज़ अल्लाह। क्या तब्दीली आई है? आपकी दुआ की वजह से अब मैं तब्दील हो गया हूँ और मैं स्कूल भी जाता हूँ और चर्च भी जाता हूँ। आमीन। प्रेज़ अल्लाह बेटा, खुदावन आपको बरकत दे। वो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता बल्कि वो चाहता है कि सबकी नौबत तौबा तक पहुंचे। सो खुदावन ने आपको बरकत दी है, आपको चुन लिया है, इसी तरह खुदा के साथ बने रहें, जुड़े रहें, उसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखें तो एक दिन आपको बहुत सी बरकत देगा और आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनोगे। रोम यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। हमने एक छोटी सी काविश की है और आपने यकीनन इससे बरकत पाई होगी। हमारी इस कहानी का मकसद यही है कि जब खुदा के खुदाम लोगों के घरों में आते हैं खुदा का कलाम लेकर, तो लोगों के रवैये खुदा के खुदाम के साथ अच्छे नहीं होते, वो नारवा सलूक नहीं करते, उनको कबूल नहीं करते और यही वजह है कि हमारे घरानों में बरकत नहीं है। मकसद था कि जब खुदा के खादम हमारे घरों के अंदर आते हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें रिस्पेक्ट दें क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खादम दो चंद इज्जत के लायक है। और इसी तरह खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है।